everyone. So we have discussed two things till now. We are talking about sleep issues related to menopause. In the first, we discussed why do they occur? And then we discussed in the second one, what are the common causes? In this, we will discuss, so how does one diagnose this condition and how do you treat it? So diagnosis is aam taur 80% of the time sirf baatcheet karne se jo humne pehle bataya ki agar aapne khud apna chart bana rakha hai 24 ghante ka to doctor ko usse bahut help milegi aapko bhi help milegi aur extra questions like snoring discomfort in the legs consumption of alcohol spending time on the phones television etc to इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है कुछ टेस्ट्स की तो डिपेंड करता है कि हम क्या कारण सोच रहे हैं अगर स्नोरिंग इज अ बिग फैक्टर फिर हम एक जांच बोलते हैं जिसको हम स्लीप स्टडी कहते हैं जो कुछ अलग वीडियोस में डिटेल में बताया जाएगा बट स्लीप स्टडी एक रात की जांच होती है जिसमें हम ब्रीदिंग ऑक्सीजन ब्रेन की एक्टिविटी मांसपेशियों की एक्टिविटी पूरी रात मेजर करते हैं देखने के लिए कि किस रीजन से नींद टूट रही है और क्यों टूट रही है इससे हमें कई दफ़ा जो सेकंड तकलीफ बोली थी मैंने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं कि पैरों में दर्द और बेचैनी उन लोगों में कई दफ़ा रात को पैरों में झटके भी बहुत लगते हैं तो एक तो ये जांच है स्लीप स्टडी पर स्लीप स्टडी सबके लिए नहीं होती डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं फिर उसके अलावा कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हो सकते हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे और कभी कभी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ता है एनालाइज करने के लिए तो जब हमने फिर एक ये पूरा डायग्नोसिस बना लिया तो अब आई एम श्योर यू अग्री विद मी दैट वी आर मोर कन्विंस्ड दैट इंसोम्निया इज अ सिम्टम सो इफ इट इज बिकॉज ऑफ स्नोरिंग और रात में नींद में सांस रुक जाना या ऑक्सीजन गिरना उसका ट्रीटमेंट तो बहुत अलग है अगर पैरों में बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग है जो कुछ मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स ही दे पाएंगे और अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है या एंजाइटी बहुत ज़्यादा है उसके लिए भी ट्रीटमेंट अलग है तो अलग अलग इश्यूज़ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है पर कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम सभी को कर सकते हैं नींद को ठीक रखने के लिए उनको हम इकट्ठा बोलते हैं जस्ट बिहेवियरल मेजर्स या नॉन मेडिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कोई दवाई नहीं है गोली नहीं खाना बट क्या कर सकते हैं वो चार पांच चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी उसमें से एक है जिसको हम ब्रॉड टर्म देते हैं स्लीप हाइजीन तो स्लीप हाइजीन जैसे हम पर्सनल हाइजीन समझते हैं अपने आप को साफ सुथरा रखना आजकल के समय में तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है पर्सनल हाइजीन सबको पता है भी हाथ धोना कितने समय के लिए धोना उसके सारे रूल्स हैं ऐसे ही स्लीप हाइजीन है स्लीप हाइजीन एक हैबिट्स हैं जो हमको अगर हम अपनाएं तो नींद ठीक रहती है तो दिन में क्या करना है adequate exposure to sunlight, adequate exercise during the day, fixed timings for meals, fixed timing for sleep, रात को कम से कम आधा पौना घंटा पहले गैजेट से दूर रहिएगा और बिस्तर में तभी जाओ जब नींद आ जाए alcohol avoid करना smoking etc. avoid करना तो ये overall good habits हैं जो sleep के लिए मदद करती हैं पर जिन लोगों में स्लीप हैज़ बिकम वन बिग इशू ये अकेली काम नहीं करेंगी तो इसके साथ कुछ और तरीके या टेक्निक्स होते हैं जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया बोलते हैं आमतौर वो चार हफ्ते या छः हफ्ते का एक कोर्स होते हैं उसमें हम एक एक चीज़ सिखाते हैं भी कैसे आप अपनी नींद को सुधार सकते हैं तो दिस वीडियो एंड टू एंड दिस वीडियो I hope I have convinced you again that insomnia is a symptom. We should treat the cause, and then there are some general measures which can be applied to all patients with insomnia, which need the help of a doctor or a specialist. तो अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि स्पेशलिस्ट से फिर कब मिलना चाहिए.